नमस्कार, एनडीसी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 10 खबरें। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया। बीआरएस सांसद नामा नागेश्वर राव ने भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह जमकर बारिश हुई। बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर की सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तेलंगाना सरकार ने राज्य में लगातार भारी बारिश के मद्देनजर आज और कल 2 दिन की छुट्टियों की घोषणा की है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में जिला प्रशासन ने आज सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है। मौसम विभाग ने रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते राज्य में कई तरह की दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही है। मंगलवार शाम दहिसर इलाके में तेज बारिश के चलते एक मकान गिर गया। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू का कुछ हिस्सा सामने आया है। इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर जमकर हमला बोला है। ताड़ोबा प्रशासन की नई पहल, वनव्यस्त गांवों की महिलाओं को दिया जा रहा है जिप्सी चलाने का प्रशिक्षण। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में राज्य परिवहन विभाग की बस का हादसा हो गया। चालक का नियंत्रण खोने से बस सड़क किनारे छोटे नाले में पलटी हो गई। बस में 5 यात्री सवार थे। अडानी ग्रीन के शेयरों में 10% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है, जबकि अडानी पावर के शेयरों में 9.2% की तेजी देखने को मिली है। वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में मुकाबला होना है, लेकिन अब यह तारीख बदल सकती है। इस मुकाबले को फिर से रिशेड्यूल किया जा रहा है। ऐसी ही टॉप 10 खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। धन्यवाद।